नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रही है। सोमवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और कई जिलों के पदाधिकारी बदले गए हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि अवध क्षेत्र में प्रदेश महामंत्री संजय राय, काशी क्षेत्र में अमरपाल मौर्य और वही गोरखपुर क्षेत्र में गोविंद नारायण शुक्ल के साथ ही कानपुर क्षेत्र में अनूप गुप्ता, पश्चिमी क्षेत्र में सुभाष यदुवंश और ब्रज क्षेत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह को प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 98 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी बदले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे कमिटमेंट, हमने उसे पूरा मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश जी को अपनी सरकार के कालखंड के समय जो 2012 से और 2017 तक की अराजकता रही है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार, गुंडा राज और अवैध जमीनों पर कब्जे, माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार का अपराध बढ़ा है, उसके अनुभव के आधार पर उन्होंने यह ट्वीट किया होगा। यूपी सरकार ने अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए एक आदेश जारी कर हलाला प्रमाणीकरण यानी चीजों वाली जो भी चीजें थी उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले धर्म विशेष के ग्राहकों को हलाल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ कथित रूप से खिलवाड़ करने को लेकर एक कंपनी और कुछ अन्य संगठनों ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस मामले पर लखनऊ के ऐशबाग के मोती झील कॉलोनी के निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने हजरतगंज थाने में यह मामला दर्ज किया था। इस मुद्दे पर शैलेंद्र शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान बातचीत में शैलेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये बताइए, जो हलाला सर्टिफिकेट को लेकर के एक मुकदमा दर्ज कराया है, ये क्या पूरा मामला है? हलाला सर्टिफिकेशन जो एक गोरख धंधा इस देश में बहुत तेज़ी से पनप रहा है। एक्चुअल हलाल या झटका हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में सुनते हैं। ये सामान्य जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट है, क्रीम है, परफ्यूम है, लिपस्टिक है, अभी तो एक दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आयुर्वेद चीज़ें बनाते हैं, कोई एलोवेरा बेच रहा है, कोई तुलसी बेच रहा, उनका भी सर्टिफिकेशन हलाल सर्टिफिकेशन है। तो ये कहीं ना कहीं इस देश में स्वीकार नहीं है। जिस तरीके से, और पुलिस जब मेरे संज्ञान में विषय आया, कुछ वस्तुएं मैं भी उपयोग करता था, उसमें भी चीज़ें दिखी, तो जब संज्ञान में आया तो उसको लेकर के एक तहरीर मैंने थाने में दी। उसके एवज में उन्होंने देखा तो उसमें लगा कि इसमें मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस जाँच का आश्वासन दिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रायबरेली पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वही पूर्व राष्ट्रपति सोमवार को रायबरेली जनपद में निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आईटी गेस्ट हाउस पहुंचने पर डीएम हर्षिता माथुर, एडिशनल एसपी नवीन सिंह और एसडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी ने स्वागत किया है। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ साथ चुनाव हुए, उसके पश्चात कुछ विधानसभाओं में कुछ विकृतियां आ गई, उनका समय पहले समाप्त हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसलिए वो समय अवधि समाप्त हो गई। इसके परिणाम जो देखे गए और इस पर बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है और कई समितियों की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है वो फिर लागू होनी चाहिए। अब अगली खबर गोंडा से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन के घर पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वही मीडिया से बातचीत करते हुए नरेश उत्तम पटेल प्रदेश और केंद्र की सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के हालात बहुत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था और सेवाएं चरमराई हुई है, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भाजपा ने प्रदेश को बर्बादी की राह पर लाकर छोड़ दिया है।
प्रदेश के हालात बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर केंद्र की सरकार और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला दिया। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट है, पूरे प्रदेश में महंगाई का हाहाकार है, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश का किसान ठगा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से कि किसानों को हम उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे। अब अगली खबर रायबरेली से है, जहां कल देर शाम सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में आईजी लखनऊ जोन तरुण गाबा लालगंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी से मिलकर उसके साथ घटी घटना का संज्ञान लिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। आईजी ने बताया कि लिखापढ़ी के मुताबिक व्यापारी का लगभग 65 लाख का सामान चोरी हुआ है। लालगंज थाना क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी था जो कि अपनी दुकान बंद करके कुछ आभूषण लेके अपने घर की तरफ जा रहा था, और उससे सोने के आभूषणों से भरा बैग अभियुक्तों द्वारा छीन लिया गया। इस तरह की एक लूट की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने वहां पे पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। CCTV खंगाल लिए गए हैं, जो सुराग हमें मिले हैं उसके अनुसार हमने टीमें गठित करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अब हरदोई से खबर है, जहां एक व्यक्ति की मौत लगभग 1 साल पहले संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी। मौत के बाद व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति की सारी संपत्ति बेच दी और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गए। वही मृतक के परिजनों को शक होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके 1 साल बाद अब मृतक के शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मैं दुर्गेश कुमार सिंह, एडिशनल SP पश्चिमी हरदोई। ये थाना क्षेत्र बेटा गोकुल के गांव चंद्रपुर का ये प्रकरण है, जहां पे एक सोनी नाम की महिला ने FIR पंजीकृत कराया था कि इनके भाई जावेद की हत्या करके और शव को कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया गया। इन्होंने आरोप लगाया कि भाई की पत्नी और उनके एक और परिचित जो जानने वाले थे, इन्होंने ही हत्या किया है। इसमें विवेचना के दौरान शव को कब्र से निकाल के PM के लिए भेजा गया है। अब अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां दुकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद में एक अजीब घटना देखने को मिली। दुकान मालिक JCB लेकर दुकान की दीवार तोड़ने पहुंच गया और ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भरकर ले गया। घटना गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र किराना मंडी की है। वही पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां महिला सिपाही के संदिग्ध हालातों में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। मायके पक्ष के लोगों ने दहेज को लेकर हत्या किए जाने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 1.5 साल पहले ही मोहनगर में हुई थी। महिला का पति भी UP पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। अब खबर औरैया से है, जहां यातायात पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली है। वाहन चालकों को यातायात उप निरीक्षक कायम सिंह द्वारा वाहन चालकों को फूल देकर हेलमेट लगाकर जागरूक किया गया है। साथ ही वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाने की अपील की गई है। इस संबंध में ट्रैफिक CO प्रदीप कुमार और यातायात प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात महीने को लेकर जगह जगह जनपद में नुक्कड़ नाटक के जरिए वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।